नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्योहारों का सीजन आने वाला है और इस बार रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ खास इंतजाम किए हैं। दोस्तों, 19 सितंबर से 30 नवंबर तक कई विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें जम्मू, चंडीगढ़, बठिंडा, फिरोजपुर, गोरखपुर और वाराणसी जैसे प्रमुख शहरों के बीच चलेंगी। इन ट्रेनों का मकसद है कि त्योहारों के दौरान होने वाली भीड़ को कम किया जा सके और यात्रियों को आराम से यात्रा करने का मौका मिल सके। आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्र, दशहरा, धनतेरस, दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर ट्रेनों में भीड़ बहुत ज्यादा हो जाती है। यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती और उन्हें खड़े खड़े सफर करना पड़ता है। कई बार तो हालात ऐसे होते हैं कि यात्री ट्रेन में चढ़ ही नहीं पाते। इस समस्या को देखते हुए रेलवे ने ये विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये विशेष ट्रेनें सहारनपुर से होकर गुजरेंगी। पंजाब और हरियाणा से आने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 पर रुकेंगी, जबकि दिल्ली मुरादाबाद की ओर से आने वाली ट्रेनें प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 पर रुकेंगी। कुछ प्रमुख ट्रेनों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा वाराणसी, वाराणसी श्री माता वैष्णो देवी कटरा, चंडीगढ़ गोरखपुर, फिरोजपुर पटना और वाराणसी चंडीगढ़ शामिल है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। अगर आप भी इन त्योहारों में यात्रा करने वाले हैं तो आप इन विशेष ट्रेनों का लाभ उठा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।